कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे. आप आपने क्या म्यूजिक Hi guys, this is Shilpa Singh Rajput. Hello guys, this is Abhishek. Welcome back to our channel Krishna Views. तो guys कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत ही बड़े होंगे. तो guys आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें डकी भाई ने रोस्ट किया है इंडियन अडल्ट प्रैंक चैनल Must Be Stopped. तो अब इसमें खुलेआम इंडिया में जो प्रैंक्स होते हैं आई थिंक अडल्ट वाले अडल्ट वाले प्रैंक कौन से होते हैं यार? Picking up girls वगैरह. हाँ ये गोल्ड डिगर प्रैंक बहुत सारे पॉपुलर प्रैंक्स जो होते हैं यही होते होंगे. तो फिर वो बच्चे शाहरुख खान का वो करते हैं जाके डायलॉग्स मारते हैं. पता नहीं क्या होगा अभी उसको अच्छे से रोस्ट किया होगा डकी भाई ने. तो देखते हैं किस तरीके से रोस्ट किया. एंड डिस्क्लेमर है कि वीडियो कंटेंट फ्यू कस वर्ड्स अकेले देखना या हेडफोन में. हम हेडफोन में देख रहे हैं. हम ईयरफोन में देख रहे हैं. तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो. 1 2 3 एंड स्टार्ट. प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट. ये बच्चा मेरा पोता इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है. तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर. तो टिकटॉक की तो काफी यकियां कवर कर ली थी हमने पिछले दिनों. तो आज मैंने सोचा कुछ यूट्यूब की ब्रांड न्यू सील पैक चवलियां नापते हैं. और वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि वो जो 2 लाख लाइक्स पे जो मुजरा डेयर किया गया था वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुका हूँ. तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना अगर पहले से नहीं देखा हुआ और साथ फॉलो भी मार लेना. और मजे की बात ये कि मुजरा मैंने टिकटॉक के लिए तैयार किया था और टिकटॉक वालों ने मेरी वीडियो ही हटा दी. मतलब पैंच के तुम्हें मेकआउट करते हुए फाड़ियों पेज पे शो हो जाएंगे लेकिन इन दूसरी वालों को एक पैरोडी डांस वीडियो से मसला है भाई. और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, उससे पहले ये मेरी 6 वीडियोस उड़ा चुके हैं जिसमें मैं पुशअप्स लगा रहा हूं. कि सानू फुद्दू समझाया है ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੈਗੇ ਲਾਉਣੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈਏ. ਟਿਕਟਾਕ ਵਾਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਬ ਮੈਂ ਇਧਰ ਕਿਆ ਛੰਮੀਆ ਤੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਲਿਪਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ ਕਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰ? ਫਿਰ ਡਾਲੋਗੇ ਫਾੜੀਓ ਪੇਜ ਪੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਕ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਲੇਂਗੇ. ਅੱਜ ਹਮ ਲੋਗ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਵਿਲ ਲੋਗ ਕੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਇਹ ਉਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਸੇ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ 30 ਮਾਰ ਖਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹਮ ਲੋਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੇ ਰਹੇ ਹੈ. ਆਪ ਲੋਗ ਕੌਨ ਸਾ ਕਾਲਜ ਸੇ ਹੋ? अच्छा, तो हम लोग ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे लाइफ के रिलेटेड, आपको बस आंसर देना है, इजी रहेगा. तो आपसे पूछता हूँ, आप गेम खेल रहे हो क्या? अच्छा, तो आपका कितना बड़ा है? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मतलब आपका बड़ा कितना है? 5.5. हाँ, तूने लेके देखा है ना, हैं जो साइज इसका पूछा जा रहा है. और एक्साइटमेंट इन भाई साहब को हो रही है. मतलब दोस्तों के नुन्नू नाप के रखे हुए हैं भाई साहब ने, लिस्ट बना के रखी है. और जिसका सबसे लंबा है उसे भाई साहब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर भी कहते हैं. आपका बड़ा कितना है? 5.5. भाई मैं दिल की बात कर रहा हूँ, दिल कितना? 5.5. भाई आपका दिल कितना बड़ा है? मतलब अगर कोई रास्ते पे गरीब दिखा तो आप मदद कर दो? कभी कभी. मतलब है बड़ा है छोटा है? मतलब इस उम्र में तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि मेरा है भी कि नहीं. और इस बच्चे को अपना एग्जैक्ट साइज याद है, 5.5. अबे साले, इस तरह का कोई आदमी तुम लोगों के पास आए ना और पूछे कि आपका कितना बड़ा है तो जाके सीधा बोला करो कि अपनी बाजी से पूछ लो. अच्छा, तो एक ऐसी चीज जो लंबी होती है, हार्ड होती है और उसके अंदर कम रहता है, CUM कम. CUM कम. मतलब मेरा लौड़ा. मैं अगर ऐसे बीच के किनारे अपने किसी दोस्त के साथ कॉलेज बंक करके बैठा हूँ ना चिल मारने और कोई ऐसी बंदी आके मेरे से कम शम करे तो सबसे पहले इसको मैं बाजू से पकड़ूंगा, दोस्त मेरा टांगों से पकड़ेगा और सीधा फेंकना इसको मैंने पानी अंदर अपनी काम. खैर, मैडम ने डबल मीनिंग क्वेश्चन पूछा है तो कोई ट्विस्ट भी होगा. फनी ट्विस्ट देखते हैं भाई. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते? क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में तो आंसर भी हिंदी में करना चाहिए ना. हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब वो हर एक चीज का स्पेसिफिक. हाँ, पर वो गाली है ना? नहीं, क्या एल वाला? क्या लौड़ा? लौड़ा ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, बड़ा आंसर गलत है. इसका आंसर है क्यूकम्बर. कुछ भी, कुछ भी. मुझे नहीं पता था कि क्यूकम्बर हार्ड होते हैं. ये 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 एक थप्पड़ मारो आधा हो गया. इस बंदी यहाँ पे हमारी तरफ से गाजर मूली 20 रुपए किलो हो जाए तो अपने घर पार्टी रख लेती हैं. पहले तो मुझे ये बताओ कोई इसका जवाब क्यों दे. हम यहाँ पे 2 गालियां यूट्यूब पे दे दें तो एज रिस्ट्रिक्शन ऐसे आती है जैसे इनकी बाजी बगाई है हमने. और यहाँ कितने इंच का है, क्या निकलता है उसमें से, ये सब पूछा जा रहा है और यूट्यूब वाले खुद बैठ के उसके चस्के ले रहे हैं.
अच्छा, तो एक ऐसी चीज जो लंबी होती है, हार्ड होती है और उसके अंदर कम रहता है, CUM कम। क्लासिक। मतलब पैर जो थके तुम्हें गाड़ी में मेकआउट करते हुए फाड़ियों पेज पे शो हो जाएंगे, लेकिन इन बसरी वालों को एक पैरोडी डांस वीडियो से मसला है भाई। दिस इज अगेंस्ट इंडियन कल्चर, ये भारत सभ्यता के खिलाफ है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैम, आप सुबह से लेके शाम तक शूज पहन के रखते हो, ठीक है, जब आप शूज निकालते हो तो आप देखते हो कि पैर पूरा व्हाइट हो जाता है, लेकिन हम लड़के बचपन से अंडरवेयर पहन के रखते हैं, लेकिन आज तक वो ब्लैक है। उत्तर इसका जवाब ये है कि तेरी वो चीज कभी यूज नहीं हुई, तो उसे जंग लग चुका है। एक काम कर, उस पे थोड़ा सा ना तेजाब फेंक या फिर तेजाब के अंदर ही उसकी डुबकियां लगवा। इसी में दो चीजों की पॉसिबिलिटी है, या तो तेरा जंग उतर जाएगा और वो गोरा हो जाएगा, और अगर गोरा ना हुआ तो काला भी नहीं रहेगा। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है जिसम में जितने सुराख होंगे कमाई उतनी ही ज्यादा होती है। 20 साल से पहन रहे, 25 साल से पहन रहे, शूज तो एक दिन में 6 घंटे में हो जाता है। फेरे नांजम लगा लो यार। उससे हो जाता है। मैं भी चेहरा होता होगा तो वो भी हो जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये मुंह छुपा किससे रही है, और अगर ये मुंह नहीं छुपा रही तो ये एक्चुअली में क्या छुपाना चाह रही है। और फेर एंड हैंडसम की जगह पुत्र तू शादी कर ले, फेयरनेस क्रीम लगा, 50 रुपए में लंडे फुल चिट्टे। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि फेयरनेस क्रीम से इसका गोरा हो भी जाता है, तो तुझे कौन सा किसी ने जॉनीसिस की जगह बैठा देना है। और भैंस कौन सी लड़की है जिसके पांव चिट्टे होते हैं। हमें तो हमेशा से यही नसीहत मिली है कि कभी भी लड़की देखो तो सबसे पहले उसके पैर देखो। लड़की की नीयत उसका रंग बताती है, लेकिन लड़की का रंग उसके पैर बताते हैं। और ये जो तू कह रहा ना कि 6 घंटे बाद जराबों से सफेद पैर निकल आता है, तो पुत्र मैं तुझे बता दूं कि ना वो पैर था और ना वो जराब थी। आप लोगों ने कभी LUND देखा है? ना भाई, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है इस बारे में। ऐसे बंदे होते हैं जो हर किसी से जाके ये सवाल करते हैं, और जो बोले कि हाँ हमने देखा हुआ है तो उसे बड़े फखर से बताते हैं कि हमने तो लिया भी हुआ है। इन जैसे बंदों को इनका मुंह देख कर ही जेल हो जानी चाहिए। यस मैं तो है ही। Yes. पहले तो मुझे ये बताओ इस लड़के के पास 3-3 बच्चियां क्या कर रही हैं? मैं जो हम बच्ची की आवाज सुनने के लिए कॉल का कह दें तो इनके अब्बू आ जाते हैं। हालांकि 5 मिनट पहले उन्हीं के मुताबिक उनका अब्बू अमेरिका में अपना बिजनेस चला रहा होता है। बच्ची से मिलने के लिए कह दें तो इनका अब्बा जापान से उड़ के इनके कमरे के बाहर आके पहरे देने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आईफोन लेने की बारी आ जाए भाई, तो पापा की पड़ियां सीधा उड़ के आती हैं। खैर थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, थोड़ा टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने कहां देखा? चलो भाई सारे अपनी अपनी कॉपी पेंसिलें निकाल लो और बताओ कहां पे देखा, कैसे देखा। देखने से पहले कोई नोट थोड़ी करेगा कि भाई कहां पे देखा जा रहा है, लोकेशन मार्क की जाती है क्या? और पुत्र जिसे तू पूछ रहा है ना, उसे दिखाने ही देखे हुए हैं। किसी ने वीडियो भेजी थी। किसी ने आपको वीडियो भेजी? कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। आप आपने क्या? म्यूजिक मुझे बताया 4 किलो मूलियां फ्री में होम डिलीवर कर देता यार। वो ऐसा क्या है जो मसल मसल के खड़ा करते हैं एंड थूक लगा के घुसा देते हैं? इस बंदे की कसर अब इतनी भर गई है कि अब इसे जवाब नहीं कुछ और ही चाहिए। ये चाह रहा है कि इस पे कोई प्रैक्टिकल करे। बेटा मसलने का तो पता नहीं, लेकिन काम थूक के बगैर भी हो जाता है, लेकिन तेरे केस में मसलने के बाद ही कुछ नहीं होना। हम किसी फेसबुक पे पापा की पड़ी से उसका असली नाम पूछ ले तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसका हाथ मांग लिया। अपनी बच्ची से हाथ पे चुम्मी लेने से आगे जाने का सोचना नहीं कि लाइफ में रवाना हो जाऊं कहीं। और यहां 11 साल का बच्चा जिसकी लुल्ली से भरा मेरा अंगूठा होने वो सरेआम कैमरे पे एक आंटी को फंसा चुके हैं। इस उम्र में हम आंटियों से चॉकलेट टॉफियों से ज्यादा कुछ मांगते नहीं थे, अब जब शादी की उम्र आई तो आंटियां बच्चों से और बच्चियां बुड्ढों से फंसना शुरू हो गई हैं। मुझे तो दिल कर रहा है किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके बैठ जाऊं और अपनी प्री बुकिंग करवा लूं पैंट। बुड्ढे होते होते टाइम तो आ ही जाएगा अपना। खैर अब भाई साहब का तो ये सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मसल मसल के खड़ा करके थूक लगा के वार दिया जाता है। लेकिन अब क्या करें, ये इंडियन प्रैंक चैनल है, इंडियन फनी इंटरव्यू चैनल, पब्लिक इंटरव्यू डबल मीनिंग क्वेश्चन, तो कुछ फनी आएगा ना आगे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सुविधा का। अबे पिलपिली डुई, तू क्या धागे को हैंड जॉब देता है उसको सुई में वार देने से पहले? मसल मसल के खड़ा कर दे। मतलब धागे को सुई में वारने के लिए उसको मसल मसल के खड़ा करने पहले? कहां से लाते हो भाई इतना चुतियापन? किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है,
और हर पति अपनी पत्नी को शादी के बाद वो देता है। किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, और इसे सबका पता है कि किसका कितना है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसे सवाल कर कैसे लेते हैं, और ऐसे सवाल करने के बाद उसे टैलेंट और कंटेंट का नाम कैसे दे दिया जाता है। यहाँ पे तो किसी लड़की को सलाम भी कर दो तो ना होते हुए भी उसने तुम्हें ठरकी समझ ली। मतलब बंदा किसी बच्ची को रोक के लाइन मारता है, उसको चेक करता है भाई, उसे नंबर मांगता है, उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन ये बंदा लड़कियों का माइंड चेक करता है, अंदर घुस के लड़कियों की सोच की गहराई चेक करता है। बंदा पूछे पैर तुमने माइंड के अंदर डालना है। अब जाहिर है फनी वीडियो है, फनी डबल मीनिंग क्वेश्चन है, तो कोई फनी ट्विस्ट भी होगा। इट्स द सरनेम, द लास्ट नेम, सरनेम, सरनेम। अबे इस टुटे को कोई समझाओ, शादी के बाद भी लड़की का सरनेम चेंज करने की उसकी मर्जी होती है। छठी फेल अपनी तरफ से गूगल से चूसे उठा के पब्लिक में शोखा हुआ है। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट द अ गर्ल डज एंड शी स्क्रीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट पेन्स अ लॉट? भाई साहब का सवाल यह है कि कौन सी चीज ऐसी है जो लड़की पहली बार करती है और उसे बहुत दर्द होता है और वो चीखे भी मारती है। मेरा एक सवाल है पुत्र, तो शुरू से ही पैनी था या बाद में कोई हादसा हुआ है? मतलब इतने फारिक सवाल बनाता कौन है बैठ के? और फिर ऐसे सवाल करने के बाद इन्हें लगता है कि हम स्टड स्वैग हो गए हैं। जवाब सुनते हैं भाई साहब का एक बार। इट्स एक्चुअली पियर्सिंग। अबे किसी इलोन मस्क के खब्बे टूटे, पियर्सिंग पे चीखे मारना जरूरी हो गया क्या? ऐसी भी है जो पियर्सिंग पे चीखे नहीं मारती और पियर्सिंग सिर्फ लड़कियां ही करवाती। अजीब, अपनी तरह से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड डिग्री लेके पब्लिक में कॉमेडियन बने हुए हैं। ऐसे बंदों को कोई मिडिल फिंगर दिखाए तो इस बात पर माइंड कर जाते हैं कि पैंट पूरा बाजू क्यों नहीं दिखाया। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो मार लेना भाई, उधर एक्टिव हैं आजकल, लिंक दिया होगा नीचे मैंने लाजमी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन भी दबाओ भाई, 2 मिलियन करवा दो बस जल्दी से जल्दी। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर 100 लाइक मारने वाले के लिए सेक्स। यार अच्छी सोच रखनी चाहिए, ऐसे गलत गलत क्यों सोचना। एक चीज ये भी, दुनिया का माइंड बहुत ऐसा नेगेटिव वाला चलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये अभी जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल हुआ था उसमें सबको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे जो है वो क्रिंज कंटेंट नहीं है, यूट्यूब पे भी है बहुत ज्यादा। बस फर्क इतना है कि यूट्यूब पे हमारे पास चॉइस होती है कि हमें देखना है कि नहीं देखना है, बट टिकटॉक पे हम स्लाइड करते जाते हैं और वो उसमें हमारी मर्जी नहीं चलते, लेकिन यूट्यूब पे हमारी मर्जी चल सकती है। तो एक चीज इन्होंने पकड़ के रोस्ट कर दिया भैया, डबल मीनिंग को रोस्ट किया बहुत गंदा। अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इतना ही बोलूंगी प्लीज ऐसे डबल मीनिंग कंटेंट ना बनाया जाए। बहुत ही भैया, हम तो क्या ही सोच रहे थे स्टार्टिंग में, क्या ही क्या होगा। मुझे लगा कि वो वाला प्रैंक, मतलब कुछ ऐसे करते हैं ना अजीबोगरीब वाले नौटंकी करते हैं, कुछ फेक प्रैंक्स होते हैं वैसा कुछ होगा, बट ये निकला कुछ और ही, मैं बोलते हैं ना खतरनाक निकला जो भी था। तो बहुत अच्छे से ले ली, क्या नाम है इन्होंने, वाट लगा दी। देखा होगा तो शायद शर्म आई होगी उन्हें। देखा ही होगा, बहुत काफ़ी बड़ा चैनल है तो देखा ही होगा। जो अभी ऐसे कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं वो एक्चुअली में ऐसे कॉमेडी कंटेंट देखते भी हैं, तभी उनके दिमाग में ऐसे खुरापाती चीज़ें। मुझे लगता है अब डकी भाई कभी लाइक का गोल नहीं देंगे। हाँ, एक बार मुजरा कर लिया उन्होंने, मुजरा रा रा मुजरा, अरे यार बस ना ठीक है। तो मुजरा मुजरा, हाँ मुजरा मुजरा मुजरा, हाँ मुजरा, हाँ हाँ। तो मुजरा एक बार कर लिया उन्होंने, उससे पहले भी मतलब अभी उन्होंने बोला था टिकटॉक वाला, तो फिर उन्होंने अभी इन्होंने इस वीडियो में बोला कि नेक्स्ट टाइम अभी वो टिकटॉक को लेंगे, मतलब लाइक टिकटॉक का कोई कंटेंट मतलब रोस्ट करेंगे चाहे कुछ बोलेंगे टिकटॉक और यूट्यूब, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलेंगे ऐसे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।